हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा और उससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी किए। ठीक है, कल के क्लास में हुआ क्या था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स छूट गए थे। ठीक है, तो हम लोग बच्चे में प्रॉब्लम को आज कर लेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। ओके, तो हम लोग अपने टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे, ठीक है, क्वेश्चन को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधे चलते अपने टॉपिक पे। तो क्वेश्चन 19 से जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसमें से एक मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में आना चाहिए कि 6 से डिविजिबल कौन से नंबर होंगे, कौन कौन से नंबर होंगे। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए दो कंडीशन होती है, एक की वो जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 6, सॉरी डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। अगर कोई भी नंबर अगर वो इवन हो और डिविजिबल बाई क्या हो, 3 हो, ठीक है, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ये 6 की डिविजिबिलिटी रूल होती है। अगर हम कोई पार्टिकुलर नंबर ले लेते हैं, ठीक है, थ्री कंसेक्यूटिव पार्टिकुलर नंबर ले ले रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे हमने ले लिया 1, 2, 3, यहाँ पे ले लिया 4, 5, 6, यहाँ पे ले लिया 7, 8, 9, यहाँ पे ले लिया 10, 11 एंड 12 ले लिया। तो ये सारे नंबर्स ले लिए हमने थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनमें से कम एक तो इवेन होगा ही होगा, नहीं, एक इवेन होना तय है। अगर वो नंबर इवेन से शुरू हो रहा है तो दो इवेन होगा, अगर वो नंबर ऑड से शुरू हो रहा है तो दो ऑड होगा और एक इवेन होगा, ये बात कंफर्म है। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो उनमें से एक ऐसा कोई नंबर होगा, केवल एक ही ऐसा होगा जो थ्री का क्या होगा, मल्टीपल होगा, या फिर थ्री से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इतना बात क्लियर है, यानी इसका प्रोडक्ट करेंगे इस नंबर का तो सबसे पहला चीज की वो क्या आएगा, इवन आएगा, नहीं, क्योंकि इवन इंटू इवन भी इवन होता है और इवन इंटू ऑड भी क्या होता है, इवन होता है। ओके, तो नंबर क्या होगा, इवन, और साथ ही साथ एक नंबर तो थ्री का डिविजन, एक थ्री से डिविजिबल होगा ही होगा, तो बेशक वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, इवन एंड डिविजिबल बाई 3, इवन एंड डिविजिबल बाई 3। तो अल्टीमेटली वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ठीक है, उस पर बातचीत करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूक्लिड का कौन सा केस ले रहे हैं। ठीक है, तो यूक्लिड के केस के लिए हम लोग देख पढ़े हैं कि लेमा में कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स वो 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में, इसे तो नहीं होगा, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के फॉर्म में, उससे भी नहीं होगा, क्योंकि हमको वहां से 6 कॉमन निकालना है, 6 एज ए डिवाइजर दिखाना है। तो ये केवल और केवल तभी संभव है जब हम कौन सा केस लेंगे, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, वो वाला, आई मीन 6q प्लस r वाला, जहां पे r 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो अकॉर्डिंग टू ईडीएल इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, वेयर आर इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, या फिर इसको लिखने का तरीका बताइए, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब अपन केस लेंगे, ठीक है, केस वन में ले लेंगे आर इज इक्वल टू 0। अगर आर इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए होगा हमारा वो हो जाएगा 6q। ओके, तो बात तो एक ही नहीं हो रही है, बात थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर की हो रही है। तो थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर की अगर बात हो रही है तो जरा ध्यान से देखिए कि अगर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो अगर मान लीजिए हमने लिया 1, 2, 3, अगर हम इसको एक्स मान रहे हैं तो ये हमारा एक्स प्लस 1 होगा और ये हमारा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं, तो उसी तरह ये हमारा अगर ए है तो यहाँ पे ए प्लस 1 क्या होगा हमारा, ए प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 6q प्लस 1 और यहाँ पे a प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। अब बात होगी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सो a प्लस 1
और ए प्लस टू जो होगा वो होगा सिक्स क्यू, सिक्स क्यू प्लस वन और यहाँ पे होगा सिक्स क्यू प्लस टू। और एज ए डिवाइजर हमको क्या दिखाना है, सिक्स दिखाना था। एज ए डिवाइजर यहाँ पे क्या है, सिक्स है, सिक्स ले लेंगे। यहाँ पे सिक्स निकाल लिया हम लोगों ने और यहाँ बच गया आपका क्यू इंटू सिक्स क्यू प्लस वन और यहाँ बच गया सिक्स क्यू प्लस टू। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एज ए डिवाइजर क्या हो गया, सिक्स। यानी इस चीज को हम पूरी बातचीत को सिक्स एम लिख सकते हैं और जहाँ पे लिख सकते हैं वेयर एम इज इक्वल टू ये वाली चीज हो गया। अब यहाँ पे ए ए प्लस वन और ए प्लस टू, ठीक है, ए प्लस टू यहाँ पे सिक्स एम के फॉर्म है। यानी सिक्स इसका क्या है, डिवाइजर है। यानी ये नंबर किससे कटेगा, सिक्स से कटेगा। ओके ठीक है, ये तो केस वन हुआ। बात कर लेते हैं केस टू की। किसकी बात कर लेते हैं, केस टू की। केस टू में हमारा आर इज इक्वल टू क्या होगा, केस टू में हमारा आर इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी केस टू में हमारा आर इज इक्वल टू क्या होगा, वन। अगर आर इज इक्वल टू हमारा वन होगा तो बताइए कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस वन। सो ए ए प्लस वन और ए प्लस टू इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो होगा सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस टू और ये हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस थ्री। वन वन जोड़ते चल जाना, इसमें कोई बड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट साइंस। हाँ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें से हमको सिक्स एज ए डिवाइजर दिखाना है। जरा ध्यान से देखिए, तो यहां से हम अपन टू निकाल सकते हैं और यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, थ्री निकाल सकते हैं, नहीं। तो यहां पे हो जाएगा सिक्स और यहां पे हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस वन, ये हो जाएगा आपका। अगर टू कॉमन ले लिए तो थ्री क्यू प्लस वन और यहां पे अगर थ्री कॉमन ले लिए तो ये हो गया टू क्यू प्लस वन, हो गया। तो इस पूरी बातचीत को हम लिख सकते हैं सिक्स एम, जहां पे आपका वेयर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला चीज हो जाएगा, नहीं। ठीक उसी तरह आगे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ए ए प्लस वन और ए प्लस टू किससे डिविजिबल है, सिक्स, क्योंकि सिक्स से डिवाइजर है। ओके, आगे बातचीत को बढ़ा लेते हैं, केस थ्री कर लेते हैं। केस थ्री में हमारा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स क्यू प्लस टू हो जाएगा, हो जाएगा। तो सो ए ए प्लस वन और ए प्लस टू, क्योंकि थ्री कंसेक्यूटिव की बात हो रही है, बराबर क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा हमारा सिक्स क्यू प्लस टू, ये हो जाएगा हमारा सिक्स क्यू प्लस थ्री और ये हमारा हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस फोर। ओके, तब यहां से भी क्या कर लेंगे, टू और थ्री निकाल लेंगे, यहां से टू निकाल लेंगे, यहां से थ्री निकाल लेंगे, सिक्स निकल जाएगा। ओके, बाकी बच गया जो चीज उसको अपन एम मान लेंगे, तो सिक्स एम के फॉर्म में भी आ जाएगा। तो कहीं दो और तीन कमर निकलेगा और कहीं की पूरा कंप्लीटली क्या निकल जाएगा, सिक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को क्या रखेंगे आप, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, आई होप कि बाकी आगे के केसेस आप कर लेंगे, समझ रहे होंगे बातचीत। ठीक है, तो मैं इस चीज को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, बाकी की बात आप तो समझ ही गए। ओके चले आगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि इफ ए और बी जो थे वो पॉजिटिव इंटीजर थे, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर ए को डिवाइड किया जा रहा है सेवन से तो रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, फाइव, और बी को अगर सेवन से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर के तौर पे क्या आ रहा है, फोर। तो बोल रहा है कि ए बी, यानी ए बी को अगर डिवाइड किया जाए सेवन से तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि अगर ए प्लस बी को डिवाइड किया जाए सेवन से तो एज ए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो देखिए यहां पे हमको ये तो नहीं पता है कि ए क्या है बी क्या है, लेकिन हमको पता है कि डिवाइजर क्या है, सेवन है। डिवाइजर क्या है, सेवन है। तो यहां पे दिया हुआ है कि सिंस ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दे आर डिवाइडेड बाई सेवन लिविंग रिमाइंडर फाइव एंड फोर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का मतलब तो समझ ही रहे, मतलब कहने का मतलब है कि ए को सात से डिवाइड किया जा रहा है तो फाइव रिमाइंडर आ रहा है और बी को सात से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। ठीक है, छोटी सी बात है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ईडीएल हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन सेवन क्यू वन प्लस फाइव।
लिख सकते हैं इसको अपन, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर वन बोल सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 7Q1+5, जहाँ पे Q1 अब समझ रहे हैं क्या है, कोसेंट है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर हो गया, ओके। उसी तरह यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं बी, बी इज इक्वल टू भी क्या होगा, 7Q2+4। अब यहाँ पे Q1 और Q2 डिफरेंट क्यों है, Q1 और Q2 डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर डिवाइजर फिक्स रह रहा है, अगर डिवाइजर फिक्स रह रहा है तो अगर मैं नंबर चेंज कर दूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर मैंने रख दिया 29 और यहाँ पे मैंने नंबर रख दिया 32, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने रख दिया 48, ओके रख दिया, तो नंबर के बदलने की वजह से हमारा जो कोसेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये हो गया 7, 4 जा 28, ये हो गया रिमाइंडर 1, और ये 7, 6 जा 42, और रिमाइंडर हो गया क्या, 6, ठीक है। यानी नंबर डिविडेंड की बदलने की वजह से आपका कोसेंट भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, जब आपका क्या फिक्स हो, डिवाइजर फिक्स हो, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। इफ नंबर चेंजेस देन कोसेंट विल चेंज, ओके। चलिए ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, ए बी की। नाउ अब बताइए ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा 7Q1+5 × 7Q2+4 होगा। साथ ही साथ हम लोग ए प्लस बी वाला भी केस देख लेते हैं, ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 7Q1+5 + 7Q2+4 होगा, ओके। दोनों को साथ साथ पहले पहले इसी को लेकर चल रहा है, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए बी इक्वल टू होगा 7, 7 जा कितना होता है जी, 49 Q1 Q2, 7, 4 जा 28 Q1, और ये 35 Q2, और प्लस क्या होगा 20। तो 7 से डिवाइड करने की बात हो रही है, तो क्यों ना हम एज अ डिवाइजर 7 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 14+6 लिख सकते हैं। अब इस पूरी बातचीत में अपन 7 क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, 7 कॉमन निकालेंगे, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा 7Q1Q2+4Q1+5Q2+ कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 6, ओके। तो इस पूरी बातचीत को क्या मान लेंगे हम लोग, एम कोसेंट क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमको तो अजय रिमाइंडर कितना दिखाना था, 6 लाना था, कि रिमाइंडर क्या होगा ये बताना था, तो रिमाइंडर कितना होगा आपका 6। और वही अगर a प्लस बी की बात होती तो a प्लस बी में ये रिजल्ट कितना आता बताइए, तो 7Q1+7Q2+5Q4 कितना हो जाएगा, 9। 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7+2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो Q1 Q2+1 हो जाएगा इस 7 की वजह से, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने पे इस फॉर्म को 7m+2 लिख सकते हैं, ठीक है, या 7t लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए ना, कोसेंट से क्या फर्क पड़ता है, कोसेंट कुछ भी हो, यहाँ पे 7 से डिवाइड करने पे, ठीक है, रिमाइंडर के तौर पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। आई होप कि ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ओके। या फिर ऐसे भी अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, तो अगर ए भी पूछे तो कुछ नहीं करना, कि यहाँ पे क्या करना, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना, 5 4 से कितना हो जाएगा 20, और 20 को 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वही रिमाइंडर बचेगा, तो 7 2 से कितना होता है जी 14, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 6, ओके। अब ए प्लस बी की बात कर रहा है, इन्हीं रिमाइंडर को ही क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9 को 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो हमने रिमाइंडर यहाँ पे क्या लिख लिया 2, ओके। तो ये हमारे सारे जो हमने क्वेश्चन लिए थे कल, उनमें से सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है। बाकी आप अपना कोई भी जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे उस बुक को फॉलो कीजिए, कोई भी बुक, हर बुक से आपको जो भी आपके CBSE का 10th क्लास का बुक होगा उसके सारे क्वेश्चंस आपसे लगेंगे, ठीक है। बस हर चीज़ को सिस्मेटिक तरीके से समझते चलेगा, ठीक है ना, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, ठीक है, ओके, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस हर चीज़ को समझते चलिएगा, ठीक है, बहुत ही आराम से। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब बात को बढ़ा रहे हैं, एल्गोरिदम पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ओके। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, कभी कभी तो दोनों लोग समझ बैठते हैं कि एक ही है, ठीक है, क्योंकि इतना इंटर रिलेटेड है ही दोनों, ठीक है, ओके ओके, बात समझ में नहीं, कभी कभी लोग ये लेमा को ही एल्गोरिदम समझ बैठते हैं, ठीक है,
दरअसल इतना इंटरलिंकिंग है दोनों के बीच में कि दोनों में खास अंतर नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, माना कि इंटर रिलेटेड है लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है, ओके चले। क्योंकि एल्गोरिथम में क्या होता है कि वो एक तरह की सीरीज होती है, ठीक है, ओके, सीरीज होती है, लेकिन लेमा में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है सिर्फ, ओके। तो दोनों में बस यही फर्क है और कुछ नहीं। तो हम लोग बात कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, ओके। तो ये रहा हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। देखिए अगर अगर देखा जाए ध्यान से तो देखिए यूक्लिड क्या है आपका जी, नाम है, डिवीजन क्या है आपका, प्रोसेस है। उतना नहीं समझेंगे हम, बस इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि ये नाम है, ये प्रोसेस है, ठीक है। बात है एल्गोरिथम की, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को खंगालेंगे, ठीक है, आई मीन एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे आप, तो एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है साफ ब्लॉक में करके कि ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, इट इज अ सीरीज, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure, ठीक है ना, for solving a problem, ठीक है, solving a problem, okay। यानी एल्गोरिदम अपने आप में कुछ नहीं है, एल्गोरिदम क्या है जी, सीरीज है, किसका सीरीज है, वेल डिफाइंड स्टेप्स का। वेल डिफाइंड स्टेप्स कुछ है नहीं, वेल डिफाइंड स्टेप्स आप एक तरह से आप इसको क्या समझ सकते हैं, सीरीज ऑफ लेमा, क्या समझ सकते हैं, सीरीज ऑफ लेमा, और लेमा तो वेल डिफाइंड है भाई, है ना, लेमा क्या है, वेल डिफाइंड है, विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द HCF, क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है ये प्रॉब्लम, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये बचपन से आप करते आ रहे हैं, आपको HCF वो डिवीजन रूल से बताया गया होगा, बिल्कुल वही है, बस चीजें बदल गई हैं, लेकिन इस चीज को आप बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, चौथी पांचवी क्लास से ही करते आ रहे हैं HCF निकालना, ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, ओके। तो फिर से एक बार हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर, ठीक है, फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का जो सीरीज होता है, ठीक है, जो कि प्रोसीजर देता है, किसका प्रोसीजर देता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा वेल डिफाइंड स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स का मतलब समझाया कि अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात होगी तो यहाँ पे जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, सीरीज ऑफ लेमा होगा, क्या होगा, हर एक स्टेप में क्या होगा, लेमा होगा। और ये जो सीरीज ऑफ लेमा होगा ये किसके लिए यूज किया जाएगा, इट इज यूज टू फाइंड आउट द HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF पता करने के लिए। अब आपको समझना चाहिए कि ये HCF क्या है। देखो HCF का मतलब बचपन से जान रहे हैं आप, क्या होता है HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर, एफ है तो फैक्टर ही होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी गिवन नंबर्स में ये वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कंप्लीटली उस जो भी गिवन नंबर है उन सबको क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी उस इससे बड़ा कोई दूसरा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो उनको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, कंप्लीटली। हाँ उससे छोटे हो सकते हैं लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता, यही मतलब होता है HCF का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिख लिया 6 और 8, तो 6 किन किन से कट रहा है, डिविजिबल किस किस से है, 6 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, इवन 6 भी है, 8 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इन दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों का फैक्टर हो, तो हाईएस्ट में कौन है आपका, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ भी 2 है, नहीं 1 तो छोटा हो जाएगा, 2 क्या होगा, बड़ा, इससे बड़ा तो कॉमन है ही नहीं, इसीलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2, इसीलिए 6 और 8 का HCF क्या होगा हमारा, 2 होगा। ये बचपन में आप पढ़े होंगे, ठीक है, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में पढ़े होंगे आप, आई होप, ओके। तो HCF का मतलब तो समझ ही रहे। अब एक और बात ध्यान दे लीजिए, हम लोग NCERT अकॉर्डिंग चल रहे थे, कुछ और बातें जान लेते हैं। ये जो एल्गोरिथम है ना, ये एल्गोरिथम, ठीक है ना, ये जो एल्गोरिथम है, इट कम फ्रॉम
इट केम फ्रॉम इट, ये जो एल्गोरिथम वर्ड है वो जो है एक आपके पर्शियन मैथमेटिक्स थे अल्ख्वारिज्मी, ठीक है ना, एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे अल्ख्वारिज्मी, उन्हीं के नाम से ये आया है, ठीक है ना। इट केम फ्रॉम द नेम, इट केम फ्रॉम द नेम ऑफ पर्शियन मैथमेटिशियन, पर्शियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है अल्ख्वारिज्मी, ठीक है, अल्ख्वारिज्मी, ठीक है। इनका पूरा नाम आप एनसीईआरटी की किताब में देख लीजिएगा। वैसे तो इनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न मूसा, ठीक है, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज्मी, ठीक है। तो लोग अल-ख्वारिज्मी अल-ख्वारिज्मी करते करते हो सकता है किसी के मुंह से एल्गोरिदम निकल गई हो, इसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए लोगों ने एल्गोरिदम कहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अल-ख्वारिज्मी के नाम से आया था, और अल-ख्वारिज्मी ने ही एक बुक लिखा था, ठीक है ना, ओके, ही रोट अ बुक जिसका नाम था हिसाब, हिसाब अल जबर वल, देखिए जी ये थोड़ा मुस्लिम क्या बोलते हैं उर्दू नाम है, ठीक है ना, तो माइंड नहीं कीजिएगा, हिसाब अल जबर वल मुकाबला, ठीक है, मुकाबला, इसी वर्ड से अलजबरा आया था, ठीक है। ये जो किताब इन्होंने लिखा था, इन्होंने किताब लिखी थी हिसाब अलजबर वाल मुकाबला ऐसा करके, ठीक है, तो इसी किताब के नाम से जो वर्ड है आपका अलजबरा वो आया था, ठीक है ना, इसी वर्ड से आया था अलजबरा आया था, ठीक है, क्या आया था अलजबरा, अलजबरा जो बना है इसी किताब के नाम से लिया गया है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है अल-ख्वारिज्मी के द्वारा, ठीक है ना। क्या नाम है इनका पूरा, मोहम्मद इब्न मूसा, नहीं मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज्मी, ओके, नाम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, बस एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसी चीजें तो आपको जान लेनी चाहिए, ओके। तो बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा बातचीत हो गया इसमें, बातचीत को आगे बढ़ा रहे, ठीक है। तो अगर एक लाइन में अगर पूछा जाए आपसे कि यूक्लिड डिवीजन, ठीक है, एल्गोरिथम क्या है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द सीरीज, डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ लेमा, डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ लेमा विच गिव्स या विच इज यूज्ड टू कंप्यूट या बस फाइंड आउट, ठीक है ना, टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे। देखिए हमेशा और हमेशा देखिए ऐसे पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि लेमा में केवल और केवल कितने नंबर होते हैं, ए और बी होते हैं, ए और बी के लिए अपन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे, HCF निकालने के बाद जो HCF आएगा और फिर जो फर्दर नंबर बचा हुआ है फिर उसको उन दोनों के लिए अपन क्या अप्लाई करेंगे, लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे बातचीत से आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, हम लोग हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लीजिए हमने बोला अगर मैथमेटिकली समझा जाए, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास पहला स्टेप में ये होगा कि ए एंड बी जो होंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, यानी बड़े वाले को ए लेंगे, छोटे वाले को क्या लेंगे, बी लेंगे। इसके लिए लेमा अप्लाई करेंगे, अप्लाई लेमा। जब लेमा अप्लाई करेंगे तो आप ही बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आर जो होगा, यहाँ पे दो कंडीशन होगी, या तो आर इज इक्वल टू जीरो होगा, ओके, R इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, या फिर एक कंडीशन होगी कि ये जो R होगा वो जीरो और B के बीच का होगा, ठीक है। अगर R इज इक्वल टू जीरो हो गया पहले ही स्टेप में, अगर R इज इक्वल टू जीरो होगा तो जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ A एंड B, जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो HCF किसका हो जाएगा, A एंड B का हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर R नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है तो वी अगेन अप्लाई,
दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि इफ आर नॉट इज इक्वल टू जीरो देन वी अगेन अप्लाई लेमा फॉर बी एंड आर। ठीक है, तो बी एंड आर के लिए लेमा अप्लाई करेंगे, तो बी एंड आर के लिए लेमा अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं बी हमेशा बड़ा होगा किससे, आर से। तो बताइए कि बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आर क्यू वन प्लस आर वन। ठीक है, बी इज इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर वन। अब यहाँ पे आर जो है, ठीक है, एज ए डिवाइजर का काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर से R1 में दो केसेस आएंगे, या तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो, या फिर R1 नॉट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो R1 नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा तो इस प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर R1 इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इस सिचुएशन में जो हमारा R होगा वो क्या होगा, आपका HCF होगा। ठीक है, और ये अगर R जीरो नहीं होता है तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तीसरा बात मैं लिख देता हूँ कि इफ R not is equal to zero, then this process will continue. ठीक है, this process will continue till the remainder is equal to zero. अब ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है, मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 18, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर ले रहा हूँ 27, ठीक है, 18 एंड 27, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, 18 और 27 दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इनमें हम एक इसको मानेंगे 27 एंड 18 को। ठीक है, तो बनाने का तरीका मान लीजिए हमने यही क्वेश्चन दे दिया, कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 27 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर है 18 और 27, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे वी अप्लाई लेमा फॉर 27 एंड 18। कर लिया, तो 27 इज ग्रेटर देन 18, सो 27 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना होगा, 9। ओके, तो यहां पे तो रिमाइंडर जीरो नहीं है, यहां पे लिखिएगा हियर 9 नॉट इज इक्वल टू जीरो, सो वी अगेन अप्लाई लेमा, वी अगेन अप्लाई लेमा फॉर 18 एंड 9। ठीक है, डिवाइजर और रिमाइंडर के लिए लेमा अप्लाई करेंगे, तो फिर से यहां पे हम लिखेंगे सो 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, हियर आर इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ ऑफ किसका, 18 एंड 27 कितना हो जाएगा आपका, 9, क्योंकि लास्ट केस में जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो भी डिवाइजर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, HCF निकालने का एक और तरीका हम लोग पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक में। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के तहत सीख रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चले आगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, ये काम आप बचपन में किए हुए हैं, जैसे कि आपने बचपन में किया होगा, जैसे बचपन में मिलता था कि 18 और 27 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो डिवीजन प्रोसेस से निकाला, मेरे से 18 वन जा 18 और यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे क्या गया, 9, और फिर क्या करते थे, 9 को हम लोग डिवाइजर बना देते हैं और 18 को क्या बना देते थे, डिविडेंड बना देते थे। ये निकालने का मतलब है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ठीक है, तो जो आपका डिवाइजर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिविडेंड में चेंज हो जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइजर में चेंज हो जाएगा। ये बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस उसी चीज को क्या लिख दिया, स्टेटमेंट के तौर पर लिख दिया, तो वही क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया, नहीं। ठीक है, तो ये बात तो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आर जीरो नहीं है, तो फिर से यहाँ पे देखिए 9 क्या हो गया एज ए डिवाइजर, और 18 क्या हो गया एज ए डिविडेंड, लेमा अप्लाई हो गया फिर से, तो 9 टू 18। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तब ये क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाता है, पढ़े हैं, तो यही हमारा डिवाइजर क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा। ठीक है, ये पढ़े हैं आप। ठीक है, मान लीजिए कभी 3 नंबर दे दे, क्या दे दे,
थ्री नंबर्स दे दे एक साथ और उनका पूछे कि एचसीएफ क्या होगा, तो उसको देख लेते हैं ठीक है। मैं छोटे छोटे नंबर ही लेके चलूंगा क्योंकि बात को आसानी से समझा जा सके, ठीक है, बातों को आसानी से समझा जा सके, ठीक है। तो फिर मैं लिख रहा हूँ कि फाइंड एचसीएफ ऑफ एडी 12, एटी एंड 21, ओके, इनका एचसीएफ निकालना है आपको, ए 12, 18 एंड 21 का। तो तीन नंबर जब भी दिए, थ्री नंबर्स दिए रहेंगे, तो आप किसी दो को सिलेक्ट कर लीजिए और किसी दो के लिए आप लेमा अप्लाई कीजिए, ठीक है, किसी भी दो के लिए। किसी दो के लिए लेमा अप्लाई करेंगे तो वहां पे एचसीएफ आएगा। अब जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को और जो नंबर बच गया है उसके लिए आप क्या करेंगे, लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप जरूरी नहीं कि 12 और 18 ही सिलेक्ट करेंगे, 18 और 21 ही सिलेक्ट करेंगे, आप 12 और 21 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम 12 और 21 ही सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी फर्स्ट अप्लाई लेमा फॉर 12 एंड 21। तो यहाँ पे 21 बड़ा है, इसीलिए 21 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। हियर आर नॉट इज इक्वल टू 0, सो वी अगेन अप्लाई लेमा, ठीक है, वी अगेन अप्लाई लेमा फॉर 12 एंड 9, ठीक है, 12 एंड 9 के लिए। सो 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हो जाएगा। यहां पे देखिए हियर आर नॉट इज इक्वल टू 0, सो फिर से मैं फिर वी अगेन अप्लाई लेमा फॉर 9 एंड 3 लिखेंगे। सो तो लिखेंगे 9 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए हियर आर इज इक्वल टू 0, सो एच सी एफ ऑफ 21 एंड 12 लिए, 21 एंड 12 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 3, क्योंकि डिवाइजर ही जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 आया और एक नंबर बच गया मेरे पास 18, इन दोनों के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे क्या भाई, लेमा। नाउ वी अप्लाई लेमा फॉर 18 एंड 3, तो 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस क्या हो जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। हियर आर इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ ऑफ 18 और 3 कितना हो गया आपका, सॉरी 18 और 3 कितना हो गया आपका 3। फाइनली आपका जो एचसीएफ होगा किसका भाई, 12 यानी 12, 18 और 21 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यानी तीन ही सबसे बड़ा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 12, 18 एंड 21 का, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एचसीएफ क्या करेंगे, निकालेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। बातचीत को आगे बढ़ा, ठीक है, चलिए। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एचसीएफ को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जो एचसीएफ है, ठीक है, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का उसको कन्वर्ट कीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, इफ द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 63 बी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, बी इन द फॉर्म ऑफ, या फिर एक्सप्रेस द एचसीएफ, ऐसे पहले ले लेते हैं, एक्सप्रेस द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 63 इन द फॉर्म ऑफ 18x plus 63y, ओके, ठीक है। तो ठीक है, किसको एक्सप्रेस करना है, एचसीएफ को। तो सबसे पहला मैंडेटरी जो है वो है आपका एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो पहले हम लोग 18 और 63 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एचसीएफ पे काम करते हैं, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे वी अप्लाई लेमा फॉर
18 एंड 63 के लिए क्या अप्लाई कर देंगे, हम लेमा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बताइए कि 63 इक्वल टू क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3, 54 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए आर नॉट इक्वल टू 0, सो 18 इक्वल टू क्या होगा, 18 इक्वल टू होगा 9 मल्टीप्लाई 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया 0, सो HCF ऑफ 63 एंड 18 कितना हो जाएगा आपका 9, क्योंकि इस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा तो इसका डिवाइजर क्या होगा HCF होगा, तो 9 क्या है HCF हुआ। तब 9 HCF हुआ, अब 9 को किस फॉर्म में लिखना है आपको, 18x प्लस 63y यही लिखना है, ओके। ये लीनियर इक्वेशन एक जो वेरिएबल है 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि 9 है कहां पे, तो 9 बेशक यहां पे है, ठीक है, एज ए मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं देखना है, एज ए रिमाइंडर के फॉर्म में देखना है 9, ठीक है, ओके। तो 9, तो 9 यहां पे है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो 9 इज इक्वल टू, आप बताइए कि 9 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, 9 इज इक्वल टू लिख लेंगे 63 माइनस 18 मल्टीप्लाई 3, ओके। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं क्योंकि 18x वाले और 63y क्या है बाद में, तो हम इसको लिख लेते हैं 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस लिख लेते हैं 63 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ओके। तो ये चीज किस फॉर्म में हो गई, 18x और प्लस क्या हो गया 63y, जहां पे आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और एक बार ध्यान रखें कि चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, और एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन है दो वेरिएबल है तो इसके इनफाइनाइट पेयर्स होंगे x और y के, ठीक है। तो ये नहीं सोचिए केवल x और y के केवल वैल्यू माइनस 3 और 1 ही होंगे, ठीक है, और भी वैल्यू हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख लिया x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो ऐसे x और y के बहुत सारे पेयर होंगे जो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 भी हो सकता है या 2 1 भी हो सकता है, माइनस 1 4 भी हो सकता है, या फिर माइनस 2 और 5 भी हो सकता है, बहुत सारे इनफाइनाइट पेयर होंगे, ठीक है, ओके। आई होप कि इस बात को समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आए और साथ ही साथ ये है कि क्या x और y के जो वैल्यू होंगे वो यूनिक होंगे, जी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। आई मीन ऐसे x और y के बहुत सारे वैल्यू होंगे जो उस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, अभी जैसे आपने देखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन आया कि 65 एंड 117, ठीक है, के HCF को, के HCF को, ठीक है, 65m प्लस 117m के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, 65 एंड 117 के HCF को 65m प्लस 117m के फॉर्म में लिखिए, के फॉर्म में लिखिए, ओके। आप समझ गए होंगे, ठीक है, हिंदी तो ठीक ही होगी आपकी, ओके, चले आगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी जाता है कि 65 और यानी 65 एंड 117 का क्या निकाले अपन, HCF निकाले। तो इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, लेमा बेशक। तो देखिए मैं लेमा बातचीत को बड़ा करके नहीं लिख रहा, मैं सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 117 इक्वल टू क्या होगा 65 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब हटाइए 7 में से 5 घटेगा 2, 11 में से 6 घटेगा 5, यही होगा 52। अब यहाँ पे चूंकि आर 0 नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 0, तो लेमा अप्लाई करेंगे 65 एंड 52 के लिए, तो 65 इज इक्वल टू क्या होगा 52 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना हो जाएगा 13। और यहाँ पे आर 0 नहीं है, आर 0 नहीं है तो फिर से 52 एंड 30 के लिए 13 के लिए क्या अप्लाई करेंगे लेमा, तो बताइए कि 52 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी बेशक HCF हमारा क्या होगा 13 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा HCF है किसका जी 65 एंड 117 का, वो कितना है आपका 13 है, क्या है 13 है। तो अब इस 13 को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, तो पहले ये क्वेश्चन में देखिए कि 13 है कहाँ पे, देखिए 13 यहाँ पे भी है, तो मैंने बोला कि नहीं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होगा उस फॉर्म को नहीं, जो प्लस मैंने रिमाइंडर के फॉर्म में होगा उस फॉर्म को ही देखना है, ठीक है, वहीं से हम लोग वैल्यू चुराएंगे, ठीक है, वहीं से वैल्यू को क्या करेंगे चुराएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, मान लेंगे इक्वेशन मानने में क्या बुराई है, ठीक है। तो HCF हो गया 13, तो 13 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से 65, ठीक है, 13 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 65 माइनस 52,
वन वन कोई वन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वन इंटू समथिंग समथिंग होता है। तो 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52, ओके। अब यहाँ पे देखिए, हमको 65 चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको 117 चाहिए, ना कि हमको 52 चाहिए। इसीलिए हम लोग 52 को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। 52 को एलिमिनेट यहाँ से किया जा सकता है, 52 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 117 माइनस 65, ओके। तो ये तो हो गया आपका फ्रॉम 2, नहीं, और फिर से 13 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 65 माइनस 52, 52 इज इक्वल टू हो जाएगा 117 माइनस 65 होगा, ओके। बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, 65 माइनस प्लस हो जाएगा ये 65 और ये हो जाएगा माइनस 117, ठीक है। अब जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस ए कितना हो जाता है 2a, नहीं, बी प्लस बी कितना हो जाता है 2b, ऐसा हो जाता है। तो 65 65 2 65, 65 65 2 65 2 मल्टीप्लाई 65, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2 और माइनस 117 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये प्लस के फॉर्म में, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 13 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं, वह यहाँ पे 117 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1, ठीक है। तो देखिए बराबर किस फॉर्म में आ गया जी, 65m प्लस ए हो गया 117m, ठीक है, 65m प्लस 117m, जहाँ पे आपका m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। क्या m और n के वैल्यू यूनिक होंगे, नहीं, m और n के ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, ओके। हम कुछ और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF कैसे निकाला जाता है, आप NCERT के फर्स्ट एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको करेंगे, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ओके, मतलब मिटा दूँ इसको। ये बात थोड़ी की पूरी समझ में आई, ठीक है। एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, बैक करके देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं, हम दो क्वेश्चन लेंगे। पहला कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2623 एंड 20311, ठीक है, एंड लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 and 9 respectively, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे करेंगे, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है कि वो लार्जेस्ट नंबर बताना है जो कि इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या दे, 5 दे और 9 दे, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर ले लेते हैं 17, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें और बढ़िया से समझ में आएगी। मान लीजिए कि मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 17 और मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 34, ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है, तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 2 और इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 4, तो रिक्वायर्ड नंबर बताइए। तो जो भी होगा कि इसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर, तो बेशक इनसे वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा, और हमको कि छोटा नंबर पता करने के लिए एज ए डिवाइजर हमको HCF ही निकालना होगा, ठीक है। तो HCF निकाले तो किसका निकाले, ठीक है, तो सबसे पहले जो रिमाइंडर आ रहा है उस रिमाइंडर को हम गिवन नंबर में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 17 माइनस 2 कितना होगा 15 और 34 माइनस 4 कर लेंगे तो कितना होगा 30। अब ये 15 है और ये क्या है 30 है, 15 और 30, ठीक है, क्या है 15 और 30 में, ठीक है, कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है, ठीक है ना, कि जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इनका HCF ही होगा और इनका HCF क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 30 में हाईएस्ट कॉमन 15 ही होगा, तो 15 HCF होगा। अब ये जो 15 होगा, 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 30 को भी क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और अगर 15 में अगर अपन 2 ऐड कर दे तो ये 15 से डिवाइड करने पे, 15 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर के तौर पे कितना देगा, तो
और 15 में अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें और इसको 15 से डिवाइड करें तो एज रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 4। यानी उसके लिए भी हमको क्या करना होगा इस क्वेश्चन के लिए कि 2623 में से अपन 5 घटा लेंगे और 2011 में से अपन 9 घटा लेंगे और जो भी आएगा उसका अपन क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे और HCF आएगा वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, तो चलते हैं बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर विल बी HCF ऑफ 2623 माइनस 5 एंड 2011 माइनस 9। कहने का मतलब ये है दैट इज HCF किसका होगा, 2623 में से अगर 5 घटाएंगे तो 2618 होगा और इसमें से घटाएंगे तो 2002 होगा। ओके, तो हमको 2002 एंड 2618 का क्या निकालना है, आपका HCF निकालना। ठीक है, तो लेमा अप्लाई करेंगे, लेमा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो वी अप्लाई लेमा, वी अप्लाई लेमा फॉर 2618 एंड 2002। ठीक है, तो बचपन में जैसे आप एचसीएफ निकालते थे पहले वैसे निकाल लेंगे रफ में। ठीक है, और फिर उसी को रीस्टेटमेंट के तौर पे लिख लेंगे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए बचपन में जो करते थे काम वही कर रहे हैं। 2618 यहाँ पे 1 टाइम्स में जाएगा, 2002 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6 और ये 2002 होगा और ये हो जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा मेरे ख्याल से, ये हो जाएगा 48 और ये होगा ये 0 में से 12 में से घटेगा 4, 9 में से 4 घटेगा 5 और ये हो जाएगा आपका 154 और यहाँ पर बचेगा 616। आई थिंक 4 बार में कट जाना चाहिए, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 616 यानी रिमाइंडर किस स्टेप में आ रही है, 0 इस स्टेप में आ रही है 0। ठीक है, यानी इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ओके, ठीक है, तो चलिए वी अप्लाई लेमा फॉर 2618 एंड 202। तो 2618, ठीक है, 2618 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 2002 मल्टीप्लाई 1 और प्लस रिमाइंडर कितना है जी, 616। लिखेंगे हियर आर नॉट इज इक्वल टू 0, सो 2002 इज इक्वल टू 616 मल्टीप्लाई 3, 616 मल्टीप्लाई 3 रिमाइंडर कितना आया आपका 154। क्या है, 154। लिखेंगे हियर आर नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर 0 नहीं है, सो तो हमारा जो होगा 616 इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब इस स्टेप में 0 क्या हो गया, इस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। इस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया तो 154 ही आपका क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पे लिखेंगे सो HCF ऑफ 2618 एंड 2002 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया आपका 154। सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 154। तो 154 थे तो कन्फर्म है ना कि 154 से डिवाइड करेंगे अगर 2618 को तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और 154 से अगर 2002 को डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, 154 से। तो अगर हम इसमें अगर 5 ऐड कर दें तो नंबर हो जाएगा 2623 और 2623 को अगर अपन 154 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा रिमाइंडर कितना आएगा 5 और 2011 को अगर 154 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा रिमाइंडर कितना आएगा 9। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग एल्गोरिदम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे एज पॉसिबल, ठीक है, हम लोग करने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वैसे आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 बना सकते हैं। ठीक है, 1.2 अब आप, सॉरी 1.2 नहीं 1.1, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 अब आप बनाने के काबिल हो गए हैं, तो आप एक्सरसाइज लगाएंगे एनसीईआरटी का 1.1। ठीक है, और कल हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड, जिस तरह हम लोगों ने लेमा से रिलेटेड किया था। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो बाकी हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड। ठीक है, वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ओके, ठीक है।